नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्देशक न्यूज़। साथियों, अन्देशकों से संबंधित एक बड़ी अपडेट बरेली मंडल से आ रही है, आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर विक्रम सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया है अन्देशकों के द्वारा। बधाइयों के अन्देशक प्रतीक दुबे ने और उनकी टीम ने जोरदार अभिनंदन किया। क्रांतिकारी विचारों के वैचारिक आंदोलन लेकर चले एकता के सूत्र में बंधने के लिए, सबको संदेश देने के लिए विक्रम सिंह जी का। आप देख सकते हैं सैकड़ों लोगों ने जोरदार स्वागत किया है विक्रम सिंह जी का और उनकी टीम का, क्योंकि ये निकले हैं सत्य की लड़ाई में हक और सम्मान के लिए, अन्देशकों के संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। पूरे प्रदेश के हर ज़िले में जा जाकर लोगों को, अन्देशकों को एकत्रित कर उन्हें संगठित होने का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि जो समाज संगठित नहीं हो सकता उसका अधिकार भी कभी नहीं मिल पाता है। दूसरा संगठन जिसने भी बनाने की कोशिश करी वो शायद डेवलप नहीं हो पाया। ये बात यहाँ बैठे कम हो गई, हमारे बहुत साथियों का फोन आया इसी चक्कर में, क्योंकि कोहरा अथाह कोहरा था। हमारे 80-80 किलोमीटर की दूरी है बाजे ब्लॉकों की, दहगवा है आसपुर, बहुत दूर दूर पड़ता है लोगों को, तो इस चक्कर में बहुत दिक्कत रही कि बधाइयों ने हमेशा एक ही डंडा रखा। झंडा भले ही शुरू में अंजनी जी के साथ भी लोग जुड़े थे, लेकिन कुछ चीज़ों से हम लोग उनकी संतुष्ट नहीं दिखे और कुछ चीज़ों पे वो हमें संतुष्ट नहीं भी करती छुपी है। ये बात हर कोई मानता है कि जो 2000 रुपये में स्वागत करते हैं, और शायद 10 सालों में ऐसा हुआ है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष किसी जनपद जनपद में घूम रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और भी हैं, रहे भी हैं, कि जिलाध्यक्ष आ जाइए चंदे के संबंध में या और संबंधों में, या जब चंदा चाहिए होता है तो सक्रिय हो जाते हैं, संपर्क करने लगते हैं। लेकिन इसके साथ ही विक्रम जी के साथी टिंकू जी, इनको भानु भाई जिलाध्यक्ष पवन जी को बैठ लगाने के लिए मैं राजकुमार भाई को बुलाना चाहूंगा। डीके भाई शाहजहांपुर से पहले भी आ चुके हैं, होटल सम्मानित कर दीजिए। और ये कुछ अलग ही करने वाले व्यक्ति हैं। गुरुदेव भाई आपके लिए कुछ भेंट भी लाए हैं, बिल्कुल। तो वो भेंट अंदर पड़का बधाइयों को, पेड़ा फेमस है अध्यक्ष जी, यहाँ से तुम मीठा करके जाए ताकि अच्छी हो। नरहरी भाई ब्लॉक अध्यक्ष सुथावा, अमित जी ब्लॉक प्रभारी जगत, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, जो आपने हमारे लिए भी कीमती समय निकाला बुलाने के लिए।
और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करता हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, जो हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला इसकी ठंड में। और बात कहाँ से शुरू करें पता नहीं, क्योंकि हमारी प्रीति जी की आपस में बात होती रहती थी कि किसी कारणवश वो हो नहीं पाया शेड्यूल, तो कल तो हमारे यहाँ मीटिंग थी वो संपन्न हो गई। आज हमारे बदायूं में हम आए हुए हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी इज्जत दी। और वैसे बदायूं में 2015 में पहली बार आया था, विश्वकर्मा जी हमारे जिला PTI थे तो उनने पहली बार मुझे इन्वाइट करा था। आपके यहाँ मंडल थी तो उस दिन बहुत ठंड थी, सब बच्चे ठंड से ठुठर रहे थे, तो शायद उधर से मेरी पहचान शुरू हुई थी कि बच्चों को कोई एक्टिविटी कराई जाए जिससे बच्चे बॉडी वार्म रहे। शायद उस टाइम आप लोग होंगे तो याद होगा था बहुत भयंकर, तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी अपने स्पोर्ट्स की अनुदेशक में। वैसे तो स्पोर्ट्स में 1998 से स्पोर्ट्स में ही हूँ। और दूसरी बात ये कि हम इधर जुड़े हैं मोती जो बिखरे हैं उन्हें पौड़ने के लिए। हम नहीं हैं जब तक आप नहीं हैं, हम में हम नहीं हैं जब तक आप नहीं हैं। यही कहानी ख़त्म नहीं होगी, हम अध्यक्ष जरूर हैं लेकिन आपके बिना नहीं। अध्यक्ष से पहले मैं एक अनुदेशक हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैंने अपने ब्लॉग में मैंने किसी को फ़ोन नहीं करा, मैंने सिर्फ मैसेज डाला कि हमारे जिला अध्यक्ष जी आ रहे हैं और अपना कीमती समय देने आ रहे हो। पहली बार वो प्रदेश अध्यक्ष आए, सॉरी, पहली बार 2017 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पहली बार खुद कहा है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष आया होगा। फ़ोन तक नहीं उठते हैं ना उसकी बैक कॉल आती है, भाई हम जुड़े हुए हैं कि क्या बात है क्या नहीं है, आपको कॉल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो हमने अपने यहाँ एक बैनर तले सबको जोड़ दिया है, सबको जोड़ दिया है एक बैनर तले। मैंने अपने नहीं सबको जोड़ा है, सबको, क्योंकि ब्लॉक से दो मोती आएंगे ना तब जिले में मोती की माला बन पाएगी और एकत्रित हो पाएंगे। हमें विक्रम जी बहुत मोटिवेट करते रहते हैं इन चीज़ों को, प्रतीक जी से तो हमारी बात होती रहती है, तो मैं ज़्यादा स्पीच वगैरह दे नहीं पाता हूँ, खिलाड़ी इंसान हूँ और खिलाड़ी कभी स्पीच दे नहीं पाता भैया सीधी सी बात है, अपनी स्पष्ट बात बोलता है और कह के चला जाता है। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा इतनी इज्जत दी और स्वागत करा और इतनी ठंड में आप लोग एकत्रित हुए, और हमारे बीच में हमारी बहन भी हैं तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फैमिली के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और छोटी बिटिया भी आई है, क्या नाम है बेटा आपका? काव्या, बहुत सुंदर नाम है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कार्य, कोई भी अच्छा कार्य गणेश जी के बिना नहीं हो सकता। पूरे निदेशक परिवार जनपद बधाइयों की तरफ से, जो भी आ जाए फोटो।